आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। मेरा पहले मैं आपको अपना अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मेरा नाम रामेश्वर सिंह है, मैं डॉक्टर हूँ, मेडिकल ऑफिसर हूँ, पीएससी कोटेशन था बनी तहसील में। आज कॉन्फ्रेंस करने का मतलब मेरा ये है कि आज एक हरासमेंट की, आज इनजस्टिस की एक हद पार हो चुकी है। किस तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, किस तरह गवर्नमेंट सर्विस करने वाले एम्प्लॉय को कैसे किस तरह से हरास किया जाता है, इससे बड़ी एग्जाम्पल कोई नहीं होगी जो मेरे साथ हो रहा है। हमारे MLA हैं बनी के, एक्स MLA श्री जीवन लाल लाल जी, वो पिछले कई सालों से मुझे हरास कर रहे हैं। इवन कि उन्होंने अपनी अभी बनी में आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने खुद माना इस चीज़ को कि उन्होंने जब वो MLA बने, MLA बनने के बाद उनका सबसे पहला काम क्या था, उन्होंने इस चीज़ में माना कि मैंने MLA बनते ही सबसे पहले इनको क्या किया कि इसकी अटैचमेंट कैंसिल करके इसको इसकी एक्चुअल पोस्टिंग भी भेजी। बहुत अच्छा किया MLA साहब आपने, आपको आपने ये किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन अटैचमेंट कैंसिल करने का रूल वो जो ऑर्डर सिर्फ मेरे लिए ही था या बड़ी तहसील में बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए भी था? आपके अपने रिश्तेदार अटैचमेंट, उनकी अटैचमेंट्स हो रही हैं, वो अटैचमेंट्स पे बैठे हैं, उनकी अटैचमेंट कैंसिल नहीं हो रही, और सिर्फ मेरे लिए ये रूल बना था कि मेरी अटैचमेंट कैंसिल की जा रही है। आपने मेरी अटैचमेंट कैंसिल की, मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं एक्चुअल पोस्ट पे गया, मैं वहाँ पे जाके आज भी काम कर रहा हूँ, और आप वहाँ के लोगों से पूछ सकते हो, वहाँ के 50% नहीं, 30% नहीं, 10% नहीं, अगर 5% लोग भी ये बोल जाएंगे कि मैं ड्यूटी नहीं करता हूँ तो मैं जब मान जाऊँगी कि मैं गुनहगार हूँ। MLA साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये बोल रहे थे, मेरे आने से पहले ये दो साल से बनी में था, बनी में पड़ा हुआ था, इसकी एक्चुअल पोस्टिंग PSC कोटी चंडीहार में थी और ये बनी में पड़ा हुआ था। MLA साहब, आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हम मेडिकल डिपार्टमेंट में जो इम्प्लॉयज होते हैं उनको पड़े रहने की सैलरी नहीं मिलती, उनको काम करने की सैलरी मिलती है। आप भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हो, मुझे नहीं पता आप जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो आपको पड़े रहने की सैलरी मिलती थी या काम करने की मिलती थी, लेकिन हमें काम करने की मिलती थी। और आप जाके बनी हॉस्पिटल में पता कर लीजिए, उन दो सालों में अगर मेरे से ज़्यादा किसी ने OPD देखी होगी, मेरे से ज़्यादा किसी ने ड्यूटीज़ दी होगी, मेरे से ज़्यादा अगर किसी ने डिलीवरीज करवाई होगी तो बोलना कि मैं गुनहगार था। मैं एक ऐसा डॉक्टर था जिसने वहाँ पे कंटिन्यूसली 4-4, 5-5 दिन पूरा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अकेले मैंने संभाला है। जब डॉक्टर नहीं होते थे, उनकी और कहीं ड्यूटीज़ लगी होती थी, जोड़ा माता ड्यूटी लगी होती थी नवरात्रों में, तो अकेले मैंने उस हॉस्पिटल को 5-5, 6-6 दिन पूरा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो 12-13 डॉक्टर का स्टाफ होता है, मैंने अकेले चलाया है वो। अब जाके इस चीज़ के बारे में पता कर सकते हो कि दो साल की मेरी सर्विसेज कितनी रही है, और आप उस सर्विसेज पे एलिगेशन लगा रहे हो, आप उस सर्विस पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो आज कि मैं वहाँ बड़े बड़े सैलरी ले रहा था। और उसके बाद जब मैं अपनी एक्चुअल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे जाता हूँ, मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ, मैं वहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगाता हूँ, और आप बोल रहे हो कि मैंने एक्सपायरी दवाई का मेडिकल कैंप लगाया है, अब ये क्या बेतुकी बयान दे रहे हो, क्या बोल रहे हो जी कि मैं एक्सपायरी दवाई का मैं कैंप लगा रहा हूँ और लोग एक्सपायरी दवाइयाँ ले रहे हैं और वो खा रहे हैं एक्सपायरी दवाइयाँ। अब बोलने से कम सोच तो लिया करो कि आप किसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो और किस बात का एलिगेशन लगा रहे हो। हजारों लोग वहाँ पे आके मेडिसिन लेके चले गए, वो सब बेवकूफ थे, वो एक्सपायरी दवाइयाँ खा रहे थे। एक आप समझदार हो इस बनी में जिनको पता चला कि ये एक्सपायरी दवाइयाँ हैं, बाकी किसी को नहीं पता चला, सब लोग बेवकूफ थे। मैंने वहाँ पे कैंप लगाया, लोगों को मेडिसिन दी। अगर किसी हॉस्पिटल में दवाइयाँ ज़्यादा होती हैं और वो लगता है कि ये एक्सपायर हो जाएंगी, तो एक्सपायर आपको क्या लगता है कि सही रास्ता क्या है, कि उनको फेंक देना चाहिए या उनको जला देना चाहिए या उनको कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए ताकि गवर्नमेंट का पैसा बचे, ताकि वो मेडिसिन लोगों के काम आए? मैंने वही काम किया, और आप उस चीज़ के भी एलिगेशन लगा रहे हो कि मैंने गलत काम किया। मुझे समझ नहीं आती आपको मेरे मेडिकल कैंप से लगाने से क्या प्रॉब्लम क्या है। मैंने आज तक बनी में, आपको बता देता हूँ, मैंने आज तक बनी में 15 से 16 ज़्यादा मेडिकल कैंप्स लगाए हैं, और ऐसे एरिया में जहाँ गाड़ी भी नहीं जाती थी, जहाँ 8-8 घंटे पैदल चल के जाना पड़ता था, और मेडिसिंस मैंने खच्चरों पे घोड़ों पे उठा के वहाँ पहुँचाई है मेडिसिंस, और मैंने वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की है, अपने घर में लेके नहीं रखी, लोगों को बेची नहीं है, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट लोगों के लिए आई थी और फ्री में ही दी है। और अगर मैंने बैनर पे फ्री मेडिकल कैंप लिखा है तो फ्री ही दी थी मैंने, पैसों से नहीं दी थी। आप किस बात का एलिगेशन लगाते हो? और उसके बाद मुझे फ़ोन करके MLA साहब मुझे धमकियाँ देते हैं। एक पोस्ट है, ये मुझे बोल रहे हैं MLA साहब कि एक पोस्ट, इसने पोस्ट चढ़ाया उसमें गवर्नर साहब को गालियाँ निकाली, DC साहब को गालियाँ निकाली, इसने CMO को, मैं वो पोस्ट दिखाना चाहूँगा, मैं बिल्कुल दिखाना चाहूँगा जो उन्होंने बोला है, आज मैं उसका रिप्लाई देना चाहूँगा। ये वो पोस्ट है, ये देख लीजिए, इसके ऊपर मेरा नाम भी लिखा हुआ है, डॉक्टर रमन ठाकुर,
इसके ऊपर सुनील शर्मा का नाम भी लिखा हुआ है और इसके ऊपर विनायक सिंह का नाम भी लिखा हुआ है। एमएलए साहब को शॉर्ट लेने की बड़ी आदत है और मुझे भी आते हैं शॉर्ट लेने, शॉर्ट सिर्फ आप ही नहीं ले सकते। इसमें तीन नाम है, एक विनायक सिंह है जो एमएलए साहब का बेटा है, एक सुनील शर्मा है और एक डॉक्टर रमन मेरा निकनेम है, मेरे नाम से है। अब इस बेसिस पे ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट में गवर्नर साहब को गालियां निकाली जाती हैं, डीसी साहब को गालियां निकाली जाती हैं, मिनिस्टर साहब को गालियां निकाली जाती हैं, ऊपर एक्सएमएलए लिखा जाता है और ये पोस्ट डाला जाता है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। डालने के बाद इसके एमएलए साहब के बेटा इसको शेयर करता है और कोई शेयर नहीं करता। मेरा पोस्ट अगर ये मैंने डाला होता तो उनका बेटा क्यों शेयर करता? ये शेयर होता है, शेयर होने के आधे घंटे के बाद ये पोस्ट डिलीट हो जाता है। सुनील शर्मा की नाम की आईडी बंद हो जाती है, विनायक सिंह जी अपने पोस्ट को डिलीट कर देते हैं। ये पोस्ट दूसरे दिन पहुंचता है सीएमओ साहब के पास और डीसी साहब के पास, और डीसी साहब और सीएमओ साहब को मिसगाइड किया गया। उनको बोला गया कि ये डॉक्टर रमन ने पोस्ट करके आपको गाली निकाली है और डीसी साहब और सीएमओ साहब ने मेरे टर्मिनेशन ऑर्डर निकाल दिए। लेकिन जब ये पता चला, टर्मिनेशन ऑर्डर्स निकाले जाते हैं गलती पे, बड़ी अच्छी बात है निकाले गए, लेकिन अगर वो कैंसिल होते हैं तो इसका मतलब वो गलती नहीं थी। जब ये पता चला, हमारे पवन कोतवाल जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस समय, पवन कोतवाल जी उनको पता चला, सीएमओ साहब को पता चला, डीसी साहब को पता चला कि ये पोस्ट बिल्कुल फेक है, ये तो टोटली मुझे फंसाने के लिए किया गया है, मेरी इमेज को डाउन करने के लिए किया है। विद इन फ्यू आवर्स के अंदर अंदर ये मेरे टर्मिनेशन ऑर्डर कैंसिल किए जाते हैं और मुझे ड्यूटीज रिज्यूम कर दी जाती है, और अगर मैं गलत होता तो मेरे टर्मिनेशन ऑर्डर कैंसिल नहीं होते। अब आपकी क्या डिमांड? अब मेरी ये डिमांड है, उस वक्त भी पिछले साल इन्होंने मुझे कॉल करके धमकी दी थी, अब कल भी इन्होंने क्या किया, मैं सिटी में मेडिकल कैंप लगा के आया, वहां पे सरपंच थे, सात के दो पंचायतों के सरपंच थे, फतेहपुर पंचायत के और सिटी पंचायत के, वो भी वहां थे, हजारों लोग थे। आप उनसे जाके कंफर्म कर सकते हो कि वहां पे जो दवाई दी गई है क्या वो गवर्नमेंट सप्लाई है, जो मैंने अपने पैसों से खरीदी है, वो सारी परचेज की हुई थी, हॉस्पिटल में सप्लाई नहीं थी। और ये कैंप लगाने के बाद आता हूँ तो ये शाम को मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, कंटिन्यूसली रात को 12-1 बजे कॉल करते रहते हैं, मैं इनकी कॉल नहीं उठाता। सुबह ये 7 बजे फिर से कॉल करते हैं, लेकिन मैं फिर इनकी कॉल उठा लेता हूँ, और कॉल उठा के ये मुझे धमकियां देते हैं, मुझे कहते हैं तुझे बीजेपी की टिकट चाहिए, और मुझे कहते हैं कि तू बकवास कर रहा है, उल्लू का पट्टा, बदतमीज, ऐसे वर्ड यूज करते हैं मेरे लिए, तू नलायक है, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं, शट अप, ये वर्ड यूज कर रहे हैं मेरे लिए। जब मैं बोलता हूँ कि सर आप कैसी लैंग्वेज यूज करते हैं, तो मुझे बोलते हैं ठहर जा, तीन चार दिन तेरी तो मैं टिकट कटवाता हूँ। अब वो कौन सी टिकट कटवा रहे हैं, ऊपर जाने की मेरी टिकट कटवा रहे हैं या कहाँ की कटवा रहे हैं, वो मैं नहीं जानता। अब मुझे एमएलए साहब से खतरा है, एमएलए रहे हैं, वो पावर में रहे हैं, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, कल को मेरी जान के ऊपर कुछ खतरा हो सकता है जिस हिसाब से, और वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि मैंने इनको फोन समझाने के लिए किया था। समझाने के लिए कोई फोन करता है तो उसको क्या उल्लू का पट्टा बोला जाता है, उसको बदतमीज बोला जाता है, उसको बकवास नहीं कर बोला जाता है, उसको ऐसे वर्ड यूज किए जाते, उसको तू तू करके बोला जाता है, ऐसी लैंग्वेज तो ये यूज करते हैं ये। और मेरे को धमकी दी गई है कि तुझे 4 दिन के बाद मैं तेरी टिकट काटूंगा, अब 4 दिन के बाद भगवान ही जानता है या एमएलए साहब जानते हैं कि वो क्या करने वाले।